पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस x। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, ये फॉर्मूला ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, कभी ये इधर माइनस में आएगा, कभी पाई माइनस, कभी पाई प्लस, ऐसा होता है। एक कब वैलिड होता है? ये एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन, इफ एक्स वाई लेस देन वन, जब इधर पर जो भी एक्स है इधर पर जो भी वाई है उन दोनों का इंटू यदि लेस देन वन हो रहा है तब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड में यदि हमारे पास इफ लिखिए बेटा x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए भी एक्स वाई पॉजिटिव है बेटा, ध्यान रखना, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो और दोनों का इंटू ग्रेटर देन वन, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का इंटू ग्रेटर देन वन आ रहा है। अच्छा, अब हमारी बात सुनो, हमारी बात ध्यान से समझना, एक्स वाई ग्रेटर देन वन तो एक्स वाई ग्रेटर देन मतलब एक क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? माइनस। और इधर पर एक्स वाई पॉजिटिव है, सॉल्व करेंगे तो इधर पर वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल टू कैसे होगा? एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई ग्रेटर देन वन। अब देखो, अब इसमें एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, सपोज किया वन से ज्यादा, इधर भी वन से ज्यादा, इधर भी वन से ज्यादा, इधर वन से ज्यादा पुट करो ये कितना आएगा? 45 से ज्यादा, इधर वन से ज्यादा पुट करो ये भी 45 से ज्यादा होगा। एक हम आइडिया लगा रहे हैं कि यहां पर कंडीशन क्या बनानी, समझ गए बेटा? ए वाली वैल्यू यदि हमने एक्स को ग्रेटर देन वन लिया, वाई को ग्रेटर देन वन लिया, सपोज किया, तो इधर 45 से ज्यादा, इधर भी 45 से ज्यादा, इट मींस प्लस 90 से ज्यादा हो गया। अच्छा, 90 डिग्री से ज्यादा, क्लियर बेटा? ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इधर पर एक्स वाई, x ग्रेटर देन y 1, y ग्रेटर देन 1, इट मींस इधर पर वैल्यू माइनस आएगी, कंफर्म, और tan इनवर्स माइनस में कोई भी क्वांटिटी होगी वो माइनस होगी। हमारी बात ध्यान से समझना, इधर यदि सपोज किया tan इनवर्स माइनस रूट थ्री आया तो ये कितना होगा? माइनस पाई बाई थ्री होगा। सपोज किया माइनस रूट थ्री आया, माइनस पाई बाई थ्री हो, अब इस माइनस पाई बाई थ्री को हमें 90 से ज्यादा शिफ्ट करना है तो इसमें 180 प्लस करना पड़ेगा, इधर तो 90 से ज्यादा है और ये ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव हो गई, इट मींस सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स के साथ कुछ भी नेगेटिव हो वो 90 से कम देगा, 90 से कम देगा, और 90 से कम को 90 से ज्यादा से, लेफ्ट साइड की वैल्यू 90 से ज्यादा है और राइट साइड की वैल्यू 90 से कम है, बट दोनों इक्वल करना है तो जो राइट साइड में 90 से कम है उसको 180 प्लस कर देंगे तो वो 90 से ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इट मींस जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तब इधर पर आएगा पाई प्लस tan इनवर्स आ गया बेटा, समझ में? ये तो नेगेटिव होगा, इधर पर ऐसी कोई क्वांटिटी ले ली जो वन से ज्यादा है सपोज, ठीक है, तो दोनों का सम 90 से ज्यादा होगा,
तो लेफ्ट साइड में तो 90 से ज्यादा है। अब टेन इनवर्स के साथ इधर जो भी क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव होगी, और टेन इनवर्स के साथ जब नेगेटिव आता है तो वैल्यू 90 से कम होती। लेफ्ट साइड में 90 से ज्यादा, राइट साइड में 90 से कम आ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब दोनों इक्वल करना है तो इधर जो 90 से कम है उसमें पाई प्लस कर दो तो 90 से ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फाइनली दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। क्लियर बेटा? तो जब भी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, xy ग्रेटर देन 1 हो तब यहां पर पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy अप्लाई करें। थर्ड वाला हमने एक एग्जांपल लेके करते हैं, आप लोग याद रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड वाला केस देखो इसमें, इफ x लेस देन 0, y लेस देन 0 और दोनों में एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, इसमें क्या आएगा बेटा बताओ? अरे लेस देन 0 नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव इंटू 1 से ज्यादा होना चाहिए तो क्या है? सेम आएगा, लेफ्ट में तो माइनस वैल्यू आएगी ना। सोचो क्या होगा, आइडिया लगाओ बेटा। यदि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, यही है ना, वाई की वैल्यू लेस देन जीरो और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तब क्या आएगा? क्या पाई हट जाएगा, माइनस में आएगा, कंफर्म? अच्छा सब तुम्हारी बात माने ले रहे बेटा, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा। इधर तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो एक क्वांटिटी गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, फाइनली पॉजिटिव, फाइनली नेगेटिव। अब जो नेगेटिव होगा वो 90 से कम रहेगा ना बेटा, मतलब माइनस 45 माइनस 60 और लेफ्ट साइड में क्या जा रहा है? माइनस 90 के ऊपर, मतलब 120 डिग्री होगा, माइनस 120 होगा, माइनस 150 होगा, तो माइनस 120 मतलब इधर पर माइनस 90 के लेफ्ट में जा रहा और ये माइनस 90 के राइट में जा रहा। अभी नहीं आई बात समझ में? अच्छा अब देखो बेटा, पहले इसमें देखते हैं x नेगेटिव y नेगेटिव, वो माइनस हमने हटा दिया, x नेगेटिव y नेगेटिव तो ऊपर की वैल्यू नेगेटिव, माइनस माइनस का प्लस, माइनस होगा और नीचे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 इट मींस नीचे भी नेगेटिव होगा, ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव और टेन इनवर्स के साथ यदि इधर पर पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, मतलब फाइनली 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू देगा ये, इस वाले केसेस के अकॉर्डिंग। अब लेफ्ट साइड जाओ, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव तो लेफ्ट में तो नेगेटिव हो रहा, राइट में पॉजिटिव हो रहा, अब नेगेटिव को पॉजिटिव के इक्वल कैसे करेंगे? अच्छा लेफ्ट में जो नेगेटिव होगा वो 90 माइनस 90 की ओर लेफ्ट में जाएगा ना, मतलब माइनस 90 माइनस 120। अब इस प्लस को माइनस पाई के साथ प्लस कर दो, इस प्लस 0 से 90 डिग्री को, हमारी बात समझे, इधर पर 0 से 90 डिग्री आ रहा ना, अब इस 0 से 90 डिग्री को माइनस 90 के लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो 0 से 90 डिग्री की किसी भी वैल्यू को माइनस पाई के साथ प्लस कर दो, माइनस पाई के साथ प्लस करेंगे इट मींस थर्ड वाला केस आएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। समझ में आ गया ना बेटा, आया कि नहीं? मतलब ये आप लोग याद रखो ज्यादा बेटर रहेगा,
आप लोगों को ए आइडिया लगाना आता है, सब पहला फॉर्मूला याद रखो, बाकी में आप आइडिया लगा सकते हो पाई प्लस होगा या माइनस पाई प्लस होगा। तो सीधा सा याद रखो, जब दोनों पॉजिटिव है तो पाई प्लस, जब दोनों नेगेटिव है तो पाई माइनस। इस तरीके से ट्रिक में याद रख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? जब एक्स वाई लेस देन वन, केवल यही फॉर्मूला, जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन, एक्स वाई ग्रेटर देन वन, तो इसके साथ पाई प्लस करना और इसी के साथ पाई माइनस करना। इसके साथ पाई प्लस कब करना है? जब एक्स वाई पॉजिटिव है मतलब पाई प्लस में, एक्स वाई नेगेटिव है मतलब पाई माइनस। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? एक और केस देखो बेटा, इफ एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन, सॉरी बेटा तीन ही केस है इसमें, इस सेकंड वाले में पहुंच गए, इतना आ गया समझ में सबको, कोई प्रॉब्लम? तो याद सिंपल सा लॉजिक है, एक्स वाई लेस देन वन, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एक्स वाई ग्रेटर देन वन कब होगा? जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। एक्स वाई ग्रेटर देन वन कब होगा? जब एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे। जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है मतलब पाई प्लस करना है, इसी वाले फॉर्मूले में, और जब एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो इसी वाले फॉर्मूले में पाई माइनस कर। याद हो गए? अब आपको दिमाग नहीं लगाना कि कहां प्लस पाई होगा कहां माइनस पाई होगा, डायरेक्टली लिख सकते हो। सब जब भी इन तीनों में से कोई फॉर्मूला में अप्लाई करना है तो एक्स वाई वैल्यू कंसिडर कर लेना। जैसे हम कहें टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दोनों पॉजिटिव है और दोनों वन से ज्यादा है, दोनों का इंटू वन से ज्यादा, ये वाला कि ये वाला, तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन, तो क्या आएगा? पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस वन। समझ में आ गया बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड फॉर्मूला, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली कंडीशन हो गई है। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मेट हम सीखेंगे। फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। पहला केस एक्स वाई लेस देन वन, इसमें ध्यान रखना एक्स वाई लेस देन वन मतलब दोनों में एक्स वाई पॉजिटिव होंगे तभी लेस देन वन आ रहा है, समझ गए बेटा? जब एक्स वाई लेस देन वन इट मीन्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। डायरेक्टली एक्स वाई या तो एक्स वाई का इंटू लेस देन वन होगा या एक्स वाई का इंटू ग्रेटर देन वन होगा। ग्रेटर देन वन दो तरीके से होगा, जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा तब ग्रेटर देन वन होगा, जब एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे तब ग्रेटर देन वन होगा। तो जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो इस वाले फॉर्मूले में पाई प्लस करना है, और एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो इस वाले फॉर्मूले में पाई माइनस करना है। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? आ गया ना सबको समझ में? अमन आ गया? अच्छा पॉजिटिव रहेंगे क्या? अच्छा नेगेटिव होगा तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, समझ गया बेटा? अच्छा इधर वाई नेगेटिव आ गया तो टेन इनवर्स माइनस थ्री माइनस टेन इनवर्स थ्री कर दू, क्यों परेशान होना हमें, समझ गया बेटा? नेक्स्ट, अच्छा इन सभी में एक वैल्यू नेगेटिव कर दो, सपोज किया वाई नेगेटिव कर दिया, वाई नेगेटिव कर देंगे तो एक्स वाई लेस देन माइनस वन हो जाएगा या ग्रेटर देन माइनस वन? वाई की जगह माइनस वाई लिख दो तो माइनस एक्स वाई लेस देन वन, तो एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन। नहीं आया समझ में अभी भी? हम y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस वाई में, तो उधर वाली कंडीशन, इधर तो सेम वैसा ही हो जाएगा, उधर वाली कंडीशन देखो जो f के बाद लिखा है, x
माइनस वाई लेस देन वन, तो माइनस एक्स वाई लेस देन वन, माइनस का इंटू कर दो तो एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन होगा। तो पहला फॉर्मूला, इधर पर माइनस वाई, इधर पर माइनस वाई, इधर पर माइनस वाई, तो पहला केस क्या बना? वाई को माइनस वाई में रिप्लेस कर रहे हैं, वाई को माइनस वाई में रिप्लेस कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। सेकंड फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यदि इधर y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करेंगे तो टेन इनवर्स माइनस वाई माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन। क्लियर बेटा? अब बाकी दोनों केस कैसे बनेंगे? एक ग्रेटर देन माइनस वन और बाकी दोनों केस लेस देन माइनस वन वाले बनेंगे ना बेटा। अच्छा, अब इधर ध्यान देना बेटा, लेस देन माइनस वन कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ना। जब एक्स और वाई लेस देन माइनस वन कब होगा? दोनों पॉजिटिव में लेस देन माइनस वन नहीं होगा, दोनों नेगेटिव में लेस देन माइनस वन नहीं होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो पहला केस, x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो और एक्स वाई लेस देन माइनस वन। देखो बेटा ये वाला केस वैसे सबसे ज्यादा यूज होते हैं दोनों के फर्स्ट वाले केस, ये वाले केस बहुत ही रेयर केस में होंगे, ठीक है ना। बोर्ड वाली क्लास में तो ये वाले यूज ही नहीं होते हैं जो हम बता रहे हैं ना लास्ट के दोनों, बोर्ड वाली क्लास में बट डायरेक्टली ये दोनों ही यूज होंगे। बाकी इसके पहले वाले फॉर्मूले के लास्ट के दो केस बताए वो बहुत कम यूज होते हैं, और सेकंड वाले में लास्ट के दो केस बताएंगे वो भी बहुत कम यूज होंगे, धोखे से एक दो क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, वैसे बहुत कम यूज होता है, बस पहले दोनों फॉर्मूले यूज ज्यादा होते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आएगा? फर्स्ट वाला पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस x पॉजिटिव y नेगेटिव, और इसमें इफ x नेगेटिव और y पॉजिटिव। कहां पर? इधर एक्स वाई लेस देन माइनस वन। अब देखो बेटा, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक्स वाई लेस देन माइनस वन, एक्स नेगेटिव y पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन माइनस वन, इसमें क्या आएगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन। शायद दोनों ही केसेस में लास्ट के दोनों केस सेम बने, फॉर्मूले सेम बने ना, उसमें भी पाई प्लस और माइनस पाई, बस एक कंडीशन चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही तो कंडीशन चेंज हो रही, बाकी कोई प्रॉब्लम किसी को? वैसे सबसे ज्यादा यूज होते हैं पहले दोनों फॉर्मूले। समझ गया, समझ में आ गया बेटा? साहिल इतना भी बेकार नहीं पढ़ाते हैं कि लोग बोर होने लगे, नींद आने लगे क्या? क्या हो गया? कंफ्यूजन में हो तो बेटा पहला याद हो गया, दूसरा भी याद कर लो, दूसरे वाले में सेकंड वाली कंडीशन सेम है ना, सेम है ना, बस लास्ट में याद रखना है एक्स पॉजिटिव तो पाई प्लस, एक्स नेगेटिव तो पाई माइनस, हो गया। और जब उधर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो जाएगा, और जब x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव हो जाएगा। अब वैसे लास्ट के दोनों में लास्ट की दो कंडीशन बहुत कम यूज होती है बोर्ड वाली क्लास में,
देखो जितने भी क्वेश्चन है हम सारे सॉल्व कर रहे हैं, पहले दोनों फॉर्मूले ही यूज होंगे। देखो बेटा प्रूव दैट टैन इनवर्स 2/11 वन से कम है ना वैल्यू, टैन इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूफ करना है टैन इनवर्स। फिर से हमारी बात ध्यान से सुनो, दोनों ही फॉर्मूले में पहला केस सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब जिसमें पाई प्लस या पाई माइनस में किया जाता है वो बहुत ही कम यूज होते हैं। डायरेक्ट यहां पर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा ना बेटा, और इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो टैन इनवर्स 2/11 प्लस टैन इनवर्स 7/24 यही है ना। तो जब पर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बता बेटा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सॉल्व करना बेटा इसको, ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे पोर्शन को सॉल्व करो, टैन इनवर्स 1/2 आ रहा है क्या बेटा, आ गया टैन इनवर्स 1/2, वेरी गुड बेटा सभी का आ गया टैन इनवर्स 1/2। देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी है यहां पर टैन इनवर्स 2/11 को x कंसीडर करेंगे और 7/24 को y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस का हम ट्वेल्थ वाली क्लास में सिखाते रहेंगे का तुम लोगों को, क्यों जो ऐसा हो गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना इसको, प्रूव दैट अभी जो क्वेश्चन लिखा था वही है, टैन इनवर्स 2 प्लस टैन इनवर्स 3 इक्वल टू प्रूफ करना हमें 3π/4। अब देखो बेटा देखो इधर ए पॉजिटिव दोनों का इनटू ग्रेटर देन वन कौन सा फॉर्मूला, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एलएचएस में वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 तो इधर आएगा पाई प्लस टेन इनवर्स, आप लोगों को ये कंडीशन पता नहीं होती तो इसका आंसर आप 3π/4 कभी नहीं ला पाते, पाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई 2×3 तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऊपर 5 और नीचे माइनस 5 तो ये आ जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 1। अब टेन इनवर्स माइनस 1 मीन्स माइनस पाई बाई 4 होगा कि नहीं, और सॉल्व करेंगे 3π/4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रूव दैट बेटा आवाज नहीं करो, टेन इनवर्स 1 प्लस
tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू, प्रूफ करना है पाई, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं। अभी इसका सॉल्व कितना आया था और tan इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होगा ना बेटा, तो tan इनवर्स 1 मींस पाई बाई 4 और इसका सॉल्व आया था 3 पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा पाई। कर लीजिए बेटा नोट, हो गया बेटा सबका। If tan inverse 2 plus tan inverse 3 plus theta equal to pi, tan inverse 2 plus tan inverse 3 plus theta equal to pi, find the value of theta. पाई बाई 4 हो गया बेटा सॉल्व। लिखो बेटा नेक्स्ट, सो दैट बेटा यार देखो, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू फाइव, एक प्रूफ। क्वेश्चन आसान है और आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, क्या इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इस साइन इनवर्स का टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा बेटा बता, कितना, 5/12 की 12/5 प्लस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में, बेटा जा देखो इस कॉस इनवर्स का टेन इनवर्स में कन्वर्ट कितना आएगा बेटा, 3/4 अब देखना बेटा, इधर ध्यान दो, इधर पर टेन इनवर्स के साथ जो वैल्यू है, उधर पर टेन इनवर्स के साथ जो वैल्यू, दोनों पॉजिटिव है बट दोनों का इनटू ग्रेटर देन वन हो रहा है, दोनों पॉजिटिव दोनों ग्रेटर देन वन, इट मींस कौन सी कंडीशन, सेकंड वाली, क्या लिखेंगे उसमें, वेरी गुड, पाई प्लस, देखो बेटा इधर पर टेन इनवर्स के साथ जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, इधर के साथ जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, बट इन दोनों का इनटू ग्रेटर देन वन, तो सेकंड केस अप्लाई होगा जब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन वन, तो वहां पर क्या अप्लाई करते हैं, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स, और थर्ड वाला जैसा है वैसा रहने दो। क्लियर बेटा, अब इधर देखो, यदि हम
इस ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 63 अपॉन 16 होगा बेटा। ये करके देखो, ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा फॉर्मेट माइनस 63 अपॉन 16 होगा, और टेन इनवर्स माइनस मतलब माइनस ऑफ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। तो इधर आएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 और प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया पाई आ, कर दीजिए। हो गया बेटा ये सबका, इधर देखिए बेटा, प्रूफ दैट, आवाज नहीं करो, प्रूफ दैट टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, और इसको प्रूफ करना है साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है।